स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको छींक संबंधी जानकारी बताती हूँ। छींक का ज्योतिष से संबंध है। मनुष्य में ग्रह है और ग्रहों में मनुष्य है। ग्रहों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ता है। जब ग्रह अशुभ परिणाम देते हैं तब छींक के द्वारा अनुमान लगता है कि छींक अशुभ समय में, अशुभ वार में, अशुभ दिशा में आती है। ये संकेत है ग्रहों की ऊर्जा नहीं मिल रही है इसका। छींक कौन से दिशा में आती है, उसका फल कथन क्या होता है, उसको दिशा के अनुसार समझते हैं। सोमवार से रविवार तक आठ दिशा में काम करते समय या शरीर के गरज के अनुसार काम करते समय, जैसे भोजन करना, मलमूत्र विसर्जन करना इत्यादि काम करते समय छींक आती है तो उसका फल क्या मिलता है, और छींक एक बार आती है, दो बार आती है, तीन बार आती है या उससे अधिक आती है, इनके बारे में भी जानेंगे। छींक के अशुभ संकेत ज़्यादा मिलते हैं तो नौ ग्रहों के मंत्र करना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति के स्वयं की छींक का परिणाम मिलता है, उसी तरह दूसरे की छींक सुनकर भी शुभ अशुभ परिणाम मिलते हैं। दूसरों में जानवर भी हो सकते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, भैंस इत्यादि। छींक मनुष्य की चेतना शक्ति के अनुरूप भविष्य में सुख दुख की घटना की पूर्व सूचना देती है, इसलिए छींक को शकुन शास्त्र के द्वारा समझे जाने लगा। व्यक्ति शुभ कार्य के लिए या मंगल कार्य के लिए जाता है तो उसे पूर्व दिशा की तरफ छींक आती है, ये अशुभ है, कार्य सफल नहीं होगा। व्यक्ति अग्नि दिशा की तरफ छींकता है, ये अशुभ है, कार्य में असफलता मिलती है। व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ छींकता है, ये भी अशुभ है। नैऋत्य दिशा की तरफ छींकता है तो कार्य में सफलता मिलती है। पश्चिम दिशा की तरफ छींकता है, कार्य में सफलता मिलती है। वायव्य दिशा की तरफ छींकता है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं। उत्तर दिशा की तरफ छींकता है, कार्य शुरू होने से पूर्व खत्म हो जाते हैं। ईशान दिशा की तरफ छींकता है, कार्य लाभकारी होता है। इस प्रकार जो मनुष्य स्वयं के लिए या अपनों के लिए काम करते हैं तो अशुभ दिशा में छींक आती है तो नौ ग्रहों के मंत्र कर सकते हैं। शरीर के जरूरत के अनुसार जो भी काम करते हैं वे सभी कार्य, जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना, मलमूत्र त्याग करना, शरीर में मालिश करना, दंत मंजन करना, खाना पकाना, कंघी करना, किसी भी दिशा में घर से शरीर से संबंधित कार्य करना इत्यादि को वार के अनुसार जानते हैं। हर दिन एक वार में आठ दिशा के फल कथन को समझते हैं। सोमवार के दिन शरीर की जरूरत के अनुसार जो काम बताए हैं वे करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ है, आपको पूर्व दिशा की तरफ छींक आती है, ये शुभ फलदायी है। सोमवार के दिन बताए अनुसार कार्य करते समय पश्चिम दिशा की तरफ छींक आती है, ये शुभ फलदायी है। सोमवार के दिन काम करते समय उत्तर दिशा की तरफ छींक आती है, ये शुभ फलदायी है। सोमवार के दिन काम करते समय दक्षिण दिशा की तरफ छींक आती है, ये अशुभ होती है। सोमवार के दिन काम करते समय अग्नि दिशा की तरफ छींक आती है, ये भी अशुभ होती है। सोमवार के दिन काम करते समय नैऋत्य दिशा की तरफ छींक आती है, ये अशुभ है। सोमवार के दिन काम करते समय वायव्य दिशा की तरफ छींक आती है, ये अशुभ है। सोमवार के दिन काम करते समय ईशान दिशा की तरफ छींक आती है, ये शुभ फलदायी है। अब मंगलवार, मंगलवार के दिन काम करते समय पूर्व दिशा, अग्नेय दिशा, वायव्य दिशा, ईशान्य दिशा की तरफ छींक आती है तो ये शुभ फलदायी है। मंगलवार के दिन बताए अनुसार काम करते समय पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा की तरफ छींक आती है, ये अशुभ होती है। बुधवार के दिन बताए अनुसार काम करते समय उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, अग्नेय दिशा की तरफ छींक आती है तो ये शुभ फलदायी है। बुधवार के दिन बताए अनुसार काम करते समय पूर्व, पश्चिम, नैऋत्य, वायव्य, ईशान दिशा की तरफ छींक आती है तो ये अशुभ है। गुरुवार के दिन बताए अनुसार काम करते समय दक्षिण, अग्नेय, नैऋत्य, ईशान दिशा की तरफ छींक आती है तो ये शुभ है।
गुरुवार के दिन बताए अनुसार काम करते समय पूर्व पश्चिम उत्तर वायव्य दिशा की तरफ छींक आती है तो यह अशुभ है। शुक्रवार के दिन बताए अनुसार काम करते समय पश्चिम दक्षिण नैऋत्य दिशा की तरफ छींक आती है तो यह शुभ है। शुक्रवार के दिन बताए अनुसार काम करते समय पूर्व उत्तर अग्नेय वायव्य ईशान्य दिशा की तरफ छींक आती है तो यह अशुभ है। शनिवार के दिन काम करते समय पश्चिम अग्नेय नैऋत्य वायव्य दिशा की तरफ छींक आती है यह शुभ है। शनिवार के दिन बताए अनुसार काम करते समय पूर्व दिशा उत्तर दिशा दक्षिण दिशा ईशान दिशा की तरफ छींक आती है तो यह अशुभ है। रविवार के दिन बताए अनुसार काम करते समय पश्चिम दिशा उत्तर दिशा नैऋत्य दिशा वायव्य दिशा ईशान्य दिशा की तरफ छींक आती है ये शुभ है। रविवार के दिन काम करते समय पूर्व दिशा दक्षिण दिशा अग्नेय दिशा की तरफ छींक आती है तो ये अशुभ है। घर से बाहर जाते समय गाय बैल की छींक सुनाई देती है तो ये अशुभ है। नैसर्गिक तरीके से एक के बाद एक छींक आती है ये शुभ फलदायी है। पुरुष के लिए लेफ्ट बाजू में छींक आती है तो शुभ फलदायी है। राइट साइड और सामने आती है ये अशुभ होती है। पीछे से छींक सुनाई देती है ये शुभ है। औषधि बनाते समय औषधि यानी दवाई लेते समय किसी भी वाहन पर बैठते समय वाद विवाद करते समय सोते समय भोजन करते समय पढ़ाई शुरुआत करते समय खेती में बीज बोते समय छींक आती है तो शुभ फलदायी होती है। कार्य पूर्ण होने की पूर्व सूचना है। उपाय के लिए छींक आती है तो राइट कान को हाथ से स्पर्श करते हैं तो दोष खत्म हो जाता है। बच्चे का जन्म होता है और उसी समय उसे छींक आती है तो बच्चा लंबी उम्र जीता है। एक रिवाज के अनुसार बच्चे का नाम छींक के आधार पर रखा जाता है। जिस दिन बच्चे का नामकरण विधि होता है उस समय बच्चे के वंश के खानदान के पूर्वजों के प्रत्येक मृत व्यक्ति के नाम लिए जाते हैं। जिसका नाम सुनकर बच्चा छींकता है उस पूर्वज का नाम बच्चे का नाम रखा जाता है। ये बच्चा उस नाम का अधिकारी है। किसी काम को करते समय कुत्ता छींकता है अशुभ लक्षण है। अशुभ छींक आती है तो वापस घर में आकर पानी पीना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। आप काम से घर से बाहर निकल गए, घर के अंदर से कोई छींकता है, वह छींक सुनाई देती है, ये अशुभ है। कोई काम खत्म होने पर छींक आती है, उस काम से अशुभ परिणाम मिलता है। व्यक्ति धनवान है, उसे लगातार एक छींक आती है, दो छींक आती है, तीन छींक आती है तो ये शुभ फलदायी है। लंबी उम्र जीते हैं और सभी सुखों का उपभोग करते हैं। व्यक्ति को एक छींक आती है तो उसका शुभ और अशुभ फल होता है, पर एक छींक के बाद दूसरी छींक आती है तो वह दोष नष्ट हो जाता है, दोष का निवारण होता है। जिसको लगातार तीन छींक आती है वे धनवान होते हैं। जिन लोगों को लगातार चार छींक आती हैं उनका आरोग्य खराब होता है, वे पेटू होते हैं या ज़्यादा खाने की उनको बीमारी होती है। जितना भी खाते हैं उनका पेट नहीं भरता। ज़्यादा भोजन करने से बीमारी बढ़ती है, घर की सुख सुविधा नष्ट होती जाती है। व्यक्ति धनी है, उसे चार छींक आती है, उसका धन नष्ट होने वाला है, ये सूचना मिलती है। बच्चा गरीब घर में जन्म लेता है और उसे तीन छींक आती हैं तो वह बच्चा भविष्य में धनवान होने वाला है, छींक से ऐसा संकेत मिलता है। आयुर्वेद में रोगी को किसी विशिष्ट समय में छींक आती है तो ये छींक बीमारी ठीक होने का संकेत देती है। सर्दी खांसी बीमारी में जो छींक आती है उसका कोई मतलब नहीं होता है। व्यक्ति को छींक नैसर्गिक तरीके से आना चाहिए, उस छींक का फल कथन किया जा सकता है। जीवन में छींक के ज़्यादातर अशुभ संकेत मिल रहे हैं तो इसके निवारण के लिए नौ ग्रहों के मंत्र करना चाहिए और नौ ग्रहों के मंत्र इस प्रकार है। सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः।
चंद्र का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। मंगल का मंत्र है ओम अन अंगारकाय नमः, ओम अन अंगारकाय नमः। बुध का मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। गुरु का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। शनि का मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः। राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। केतु का मंत्र है ओम केम केतवाय नमः, ओम केम केतवाय नमः। इनकी जप संख्या महादशा के आधार पे हजारों में ली जा सकती है, यानी कि सूर्य की महादशा 7 वर्ष है तो आपको सूर्य का मंत्र 7000 करना है। आपकी समस्या नौकरी, शादी, संतान, मकान या दुकान व्यवसाय की है, या लंबे समय से बीमार है, मानसिक बीमारी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बच्चे परीक्षा में फेल हो रहे हैं, विदेश जाने में अड़चन आ रही है, नौकरी में प्रमोशन में बदली नहीं हो रही है, कोर्ट कचहरी चालू है, पति पत्नी में झगड़े हैं, आपस में संबंध खराब हो रहे हैं, प्रेम में असफलता है, इत्यादि सभी समस्याओं के लिए स्वदर्शन ध्यान साधना करनी चाहिए, मन चाहा परिणाम मिलेगा। स्वदर्शन ध्यान साधना अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शाम 7 बजे से 8 बजे तक होती है। साधना में आपकी इच्छाओं और परेशानियों के लिए इच्छा पूर्ति का मंत्र किया जाता है। आपकी इच्छाएं टैरो कार्ड से जानते हैं कब पूरी होगी, टैरो कार्ड से उत्तर दिया जाता है, उपाय बताए जाते हैं। इस प्रकार स्वदर्शन ध्यान साधना होती है, साधना ऑनलाइन होती है। जिन लोगों को साधना करनी है वे लोग व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।